नमस्कार मेरी प्यारी बहनों और माताओं, आप सबको आने वाले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो करवा चौथ का एक व्रत ऐसा है जिसका इंतज़ार हमारी प्यारी बहनें और माताएं पूरा साल करती हैं। वैसे तो ये बहुत कठोर तपस्या है, लेकिन जो संबंध प्रेम से बंधा हुआ हो उसमें तपस्या कैसी, उसमें तो सब प्यारा ही लगता है ना। तो करवा चौथ ऐसा व्रत है जिसे कि महिलाएं करती हैं अपने प्यारे पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। वैसे तो हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है किस प्रकार पति परमेश्वर के समान है, और उस पति परमेश्वर की सेवा करने से एक विवाहित स्त्री को विशेष सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो करवा चौथ जैसे कि आप जानते ही हैं कि 4 नवंबर 2020 को आने वाला है, तो आइए कुछ चर्चा करते हैं और इस चर्चा के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार दिन के चारों पहर करवा चौथ की चेतना में रहने से हमारा कल्याण होगा, हमारे पति का कल्याण होगा, और तो और माँ लक्ष्मी की हम पर विशेष कृपा होगी, और तो और आपका आपके पति के साथ किस प्रकार संबंध और गहरा होगा, और आपके संबंध में परस्पर प्रेम का विकास होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन सर्गी का सेवन करने का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त आप सब जानते ही हैं, अर्थात 4 बजे से लेकर 4:30 या 4:40 तक रहता है। तो इस समय कायदे से तो अगर कोई उठे और स्नान करे और साफ कपड़े पहने और सर्गी का सेवन करे तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली अब सर्दी का आगमन हो चुका है, और सर्दी के आगमन में सुबह सुबह उठकर नहाना थोड़ा तो कष्ट दे ही सकता है। तो चलिए इसमें हम इतना ज़्यादा आपको मजबूर नहीं करेंगे नहाने के लिए, लेकिन सुबह आप जब उठते हैं और सर्गी का सेवन करते हैं तो हमें खुश मिजाज चेतना के साथ सर्गी को ग्रहण करना है, और उसके बाद चाहें तो आप सो जाएं, और सोने के तुरंत बाद जब आप उठते हो तो आप नहाइए। नहाइए और क्या करना है, साफ कपड़े पहनने हैं। कोई ऐसा कपड़ा बिल्कुल भी ना हो जो आपने पहले कभी पहना है और आप उसको रिपीट कर रहे हैं। धुला हुआ साफ कपड़ा पहनिए, और तो और सुबह से ही आप अपना श्रृंगार चालू रखिए। श्रृंगार जैसे कि विवाहित स्त्रियों के लिए मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की सुंदर चूड़ियां और उनके चेहरे का मेकअप, ये लगाने से पूरा का पूरा दिन करवा चौथ की चेतना बनी रहती है, और तो और इस व्रत का पालन करने में और ज़्यादा उत्साह महसूस होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि करवा चौथ सबसे ज़्यादा निर्भर करता है सही मुहूर्त के ऊपर। तो इस बार करवा चौथ का जो सही मुहूर्त है वो है 5:33 से 6:40 तक लगभग। तो 1 घंटा 5-10 मिनट तक करवा चौथ का मुहूर्त रहेगा इस बार, और इस करवा चौथ के मुहूर्त के अनुसार ही आपको पूजा करना अनिवार्य है। अगर आप इस करवा चौथ के मुहूर्त के अनुसार पूजा नहीं करेंगे तो सच कहूँ तो इस करवा चौथ का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला नहीं है। घबराने की बात तो नहीं है, आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं मुझे उम्मीद है करवा चौथ की पूजा का समय अभी बहुत पड़ा हुआ है। अपने आप को, अपने मन को एडवांस में प्रिपेयर करके रखिए। देखिए उपवास, उपवास का मतलब ये रहता है कि अब हम थोड़ा अपने इस दैनिक दिनचर्या से ऊपर उठेंगे, और हम अपने जीवन में जिन चीज़ों का सेवन हम हर रोज़ करते हैं उन्हें निषेध कर भगवान की नाम रूप गुण और लीलाओं का स्मरण और चिंतन करते हैं। तो आज का दिन आपका और आपके पति के लिए विशेष माना जाता है, और तो और आज करवा चौथ केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे विश्व में मनाने का एक प्रचलन सा हो गया है, जिसमें कि पश्चिम देशों में भी लोग करवा चौथ के व्रत का पालन करना बहुत ही बड़ा सौभाग्य मानते हैं। और क्यों ना हो, जहाँ पर प्रेम हो वहाँ पर किसी की लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना करने के लिए तपस्या कैसी,
प्रेम में कभी तपस्या होती है? प्रेम में तो कभी तपस्या होती ही नहीं है। प्रेम में तो एकदम न्योछावर कर देने का मन करता है एक दूसरे के लिए, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति भी करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो चलिए प्रेम में अगर पति भी थोड़ा डाइटिंग उस्टेन करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन औरतों के लिए करवा चौथ का व्रत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखिए, सुबह के समय जब आप नहाकर आते हैं तो आपको क्या करना है, 16 श्रृंगार पूरा करना है। किसी एक चीज की भी कमी नहीं रहनी चाहिए। 16 श्रृंगार पूरा करिए और अपने मन को करवा चौथ की चेतना में डुबाइए। अर्थात घर के तो काम काज अक्सर लेडीज को करने ही पड़ते हैं, जो बाहर जॉब करती हैं प्रोफेशनल उनको भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर उस दिन आप अपने मन को किसी कथा या कीर्तन या मेडिटेशन में लगाएंगी तो आप देखेंगी करवा चौथ के व्रत का पालन करना बहुत ही ज़्यादा आनंदमय हो जाएगा। तो शाम के समय में जब आप अपनी पूजा के लिए निकलने वाले हो तो उससे पहले इन बातों का विशेष ध्यान दें। आप जो भी पहने, सूट साड़ी या लहंगा, याद रहे एकदम फ्रेश होना चाहिए। इसको पहले कभी ना पहना हो, और अगर पहना है तो आप क्या करेंगे, इसको धोकर यूज़ करेंगे, इसको ऐसे ही नहीं पहनेंगे। मतलब सूची और मूची का विशेष ध्यान देना है। सूची अर्थात शरीर आपका स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हैं पूजा के लिए। अब जब पूजा के लिए जाते हैं तो केवल वस्त्र का ही स्वच्छ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का भी स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि अगर हम गए हैं अपने मल का त्याग करने के लिए पूजा से पहले, तो याद रहे उन कपड़ों को पहनकर बाथरूम से बाहर ना निकलें और स्नान अवश्य करें, क्योंकि आपको करवा चौथ की पूजा के लिए प्रस्थान करना है। तो अपने तन की स्वच्छता पर ध्यान दें, अपने कपड़ों की स्वच्छता पर ध्यान दें, और तो और मांग में अच्छे से सिंदूर लगाया हुआ हो, और सिंदूर आप सुबह से लगा कर रखें, चूड़ियाँ सुबह से पहन कर रखें, अपने चेहरे का मेकअप सुबह से करके रखें। क्यों? क्योंकि इससे आप लक्ष्मी देवी की कृपा को भरपूर रूप से आकर्षित कर सकते हो। अब बात आती है कि किस तरीके से आप अपनी पूजा की थाली को सजाएंगे। पूजा की थाली, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस थाली को ही तो आप अर्पण करते हैं चंद्रदेव की सेवा में। तो इस थाली पर जो विशेष चीज़ें आनी चाहिए वो है, सबसे पहली सिंदूर और बिंदी। कोई मिठाई, अक्सर ऐसा होता है कि मिठाइयों में जिनमें सिल्वर वर्क लगा रहता है हम उन्हें पूजा की थाली में डाल देते हैं, लेकिन किसी भी पूजा में सिल्वर वर्क वाली थाली मिठाई को हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिल्वर वर्क कई तरीकों से दूषित माना जाता है, जिसका सेवन हमें कम से कम पूजा या यज्ञ में तो नहीं करना चाहिए। और तो और हमें क्या करना चाहिए, हमें दिया एक अवश्य रखना है जिसमें बाती भी हो, और माचिस की डिब्बी साथ में रखें। और तो और आप एक लोटा लीजिए या एक ग्लास लीजिए, और वो ग्लास ऐसा ना हो जिसमें आपने पानी पिया हुआ है पहले से या किसी और ने। फ्रेश ग्लास लीजिए, नया लीजिए, लोटा लीजिए, और उस लोटे का पानी जो होगा वो आप ही के घर का होगा, मंदिर जाकर उस पानी को नहीं भरना है। और तो और नारियल आपके पास होना चाहिए थाली पे, और नारियल के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा होना आवश्यक है। लाल रंग के कपड़े से ही उसे ढकना ज़रूरी है। और तो और ये याद रहे कि जब करवा चौथ की पूजा के लिए आप मंदिर जाओ तो वहाँ जाकर हंसना बातें करना ही काफ़ी नहीं है। वहाँ पर जो ज्ञानी व्यक्ति करवा चौथ की पूजा की कथा करते हैं, उस कथा को सुनना और उस कथा का अमल अपने जीवन में करना और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपका संबंध आपके पति के साथ उस करवा चौथ की कथा के सिद्धांतों पर आधारित होगा, तो आप हर रोज़ अपने जीवन में करवा चौथ के व्रत का आनंद प्राप्त कर पाओगे। और तो और आप जानते हैं कि ये एक दिन की तपस्या से आप पूरे वर्ष अपने पति के साथ अपने प्रेम को परस्पर महसूस कर सकते हो। और तो और ये आपको विशेष खुशियाँ देगा। इस करवा चौथ के व्रत को विधि पूर्वक पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। हर परिवार,
हर खानदान में इसकी विधि अलग होती है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन रहती है वो होती है मंदिर जाकर पूजा की थाली बटाना, और इसको सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है। तो याद रहे, इस बार करवा चौथ की पूजा का समय शुरू होगा 5:33 से लगभग 6:40 तक। तो इसमें देरी बिल्कुल नहीं करनी है, सही समय पर पहुंचना है, सही चेतना के साथ पहुंचना है, साफ सुथरा शरीर और कपड़े पहनकर पहुंचना है और खुशी खुशी जाना है, और जाकर क्या करना है, पूजा की थालियों को बटाना है, और ना ही केवल अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी है, बल्कि और बहनें और माताएं जो वहां पर उपस्थित हैं उनके जीवन में भी उनके पति की दीर्घ आयु हो और खुशियां बनी रहें, इसकी भी कामना करना बिल्कुल ना भूलें। इस व्रत का पालन करने से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर, आपके पति पर और आपके घर पर बिल्कुल हो। और तो और ये याद रहे कि आज हम देखते हैं कि कई बार हमारे पति के साथ हमारा झगड़ा या बहस होती है, तो उसमें कई बार तू तो मैं होती है, जिसमें हम पति को और पति पत्नी को अपशब्दों का प्रयोग करता है। हमें इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। याद रहे, आपका संबंध आपके पति के साथ वैदिक शास्त्रों के विधि विधान अनुसार संपन्न किया गया है। अगर उसमें पति पत्नी की इज्जत ना करे और पत्नी पति की इज्जत ना करे, तो आप देखेंगे कि ये शारीरिक संबंध बनकर रह जाएगा, लेकिन आत्माओं का मिलन कभी नहीं हो पाएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबके करवा चौथ की व्रत की कामना करते हुए भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको सही चेतना दे, बुद्धि दे, जिससे कि आप अपने पारिवारिक जीवन में और प्रगति कर पाएं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।